watch full interview of singer Jaspinder Narula, who recently records a beautiful song for the film Maastra. In the interview, she reveals many things about the song as well as of the movie. Moreover, she talks about who is the lyricist of the song and also about the story of the movie. So take a look at the video. इस फिल्म के पंजाबी फिल्म की रिकॉर्डिंग हो रही है, कौन सी फिल्म है और किस तरह का सिचुएशन गाना है और कितना ज़्यादा एंजॉय किया इस गाने को आपने? फिल्म का नाम है आसरा। बहुत ही खूबसूरत स्टोरी जो मैंने अभी सुनी और बहुत ही खूबसूरत गीत डीएच हारमनी जो है उन्होंने ये बनाया है गाना, और लिरिसिस्ट हैं दिलजीत अरोरा जी। हम तो म्यूज़िकली जो हैं बता सकते हैं ज़्यादा कि लिरिकली म्यूज़िकली बहुत ही मीठा गाना है। शुक्राना दातिया, ईश्वर का शुक्रिया अदा किया गया है। आपने बहुत गीत सुने होंगे जिसमें डिवोशनल गीतों में हम उसका धन्यवाद करते हैं, तरीके तरीके से आया है, कभी उससे हिम्मत मांगते हैं, शक्ति मांगते हैं। उसी प्रकार इस गीत में बहुत ही प्यारे लफ्ज़ों में एक शुक्राना बयां किया गया है, उसका धन्यवाद किया गया है। तो मेरे तो आंखें भी भर आई और रोंगटे भी खड़े हो गए, और मुझे ये पूरा ये लगता है ऐसा कि ये गीत सुनने के बाद घर घर में लोग जो हैं वो शुक्राना करेंगे, रोएंगे और इसे महसूस कर सकेंगे। तो मैं जानना चाहूँगा कितना जरूरी है आज के ज़माने में, देख रहे हैं जो भी आ रहा है गीत संगीत की बात करें तो बहुत सारे ऐसे गाने आते हैं जिनका कोई अर्थ भी नहीं होता है, तो एक मीनिंग जैसे बात पैदा करे, क्योंकि आज के ज़माने में जो भी गाने आ रहे हैं काफ़ी ऐसे कम गाने होते हैं जिसमें आप देखते हैं कि जैसे बात। एक्चुअली बिल्कुल सही कहा आपने कि लिरिकली जो है वो असर होना चाहिए, आपको आत्मा पे असर करना चाहिए। और इस तरह के गाने आजकल देखिए ना, गाने जो हैं हमारे त्योहारों पे गाने आते थे, आज भी राखी के गाने, दिवाली के गाने, होली के गाने, इस तरह के गीत हमने पुराने जो सुन रखे हैं। और आज बड़ा अनफॉर्चुनेट हो गया है कि एक होली है उसका ज़रूर सालों में एक गीत आ जाता है, उसके अलावा त्योहारों पे भी गीत बंद हो गए हैं। तो बहुत देर के बाद जब इस तरह के कोई गीत आते हैं तो वो बहुत हिट हो जाते हैं, लोगों को पसंद आते हैं। तो अपने जो है कल्चर के साथ जुड़े रहना जो है वो यही सब चीज़ें हमें जोड़े रखती हैं। तो लफ्ज़ों का भाव जो हम प्रकट करते हैं, लफ्ज़ों से जो बयां करते हैं इमोशंस को, उसका एक असर होता है आत्मा पे। तो जब अच्छे लफ्ज़ लिखे होते हैं तो वो अच्छे लफ्ज़ आपकी आत्मा को सीधा जो है वो छू जाते हैं। उसी तरह धुन है, अच्छी धुन जो है वो आप भले ही आपको लफ्ज़ ना याद हो, धुन होती है आपके जो जहन पे छा जाती है, तो आप उसको जो है वो बिना उसके ला करके हा हा करके उस तरीके से उसको बयां करते रहते हैं, आप गाते रहते हैं। तो शब्दों का एक बहुत बड़ा यानी योगदान है हमारे संगीत को। शब्द ना हो तो फिर संगीत भी अधूरा रहता है। और ये भी पूछना चाहूँगा, कली जैसा कि मोहम्मद अजीज जी का निधन हुआ, क्या कहना चाहेंगे, कितना बड़ा नुकसान है संगीत जगत को, और कोई ऐसा अनुभव जब साथ अपने काम किया हो किसी गाने के लिए? या बहुत अच्छे इंसान थे, मैंने उनके साथ गाया तो नहीं लेकिन कई मरतबा हम लोग शोज़ में इस तरह से पार्टीज़ में मुलाकात हुई। बहुत इज्जत और बहुत प्यार देते थे और कहते थे मुझे आपका गाना बहुत पसंद है बहन, और कभी मिलें बैठें और आपको और सुनने का मन होता है, इस तरह से बात करते थे। बहुत ही अच्छे इंसान, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। और बहुत दुख हुआ, मैं कल से मतलब उनका कल निधन हुआ और मैं यही सोचे जा रही हूँ कि ऐसे कैसे चले जाते हैं लोग, कि मतलब उनको तकलीफ़ हुई और उस तरह से तो उन्होंने तकलीफ़ बहुत कम पाई और निकल गए। बहुत लोग तो तकलीफ़ में पड़े रहते हैं और जूझते रहते हैं, तो उस तरह से तो उन्होंने मौत बड़ी अच्छी पाई लेकिन बहुत जल्दी चले गए, इस बात का बहुत दुख है।
और डेफिनेटली हम उन्हें हमेशा दिल से याद करते रहेंगे, उनके फैंस उनको याद करते रहेंगे, और उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ और करती रहूँगी। बड़ी दुख की बात है, एक रेड कारपेट होता है, कोई फिल्म होती है, उसके लिए सब स्टार पहुँचते हैं, किसी को अगर बड़े स्टार को खांसी आ जाती है, एक सिंगर की डेथ पे कोई भी फिल्म स्टार नहीं पहुँचा, आज सिर्फ सिंगर पहुँचे, उदित नारायण, सुखविंदर, क्या वो हिस्सा नहीं है बॉलीवुड के? देखिए मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ ना कहूँ क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कौन किस सिचुएशन में है, लेकिन पूरा बॉलीवुड सिचुएशन में नहीं हो सकता है। नहीं, पूरा तो नहीं हो सकता, बहुत लोग गए हैं और ये दुखद है कि जो है कि इतना कोई जुड़ा हुआ हो उसके लिए हम ना पहुँचे। पीछे मैंने देखा प्राण साहब की डेथ हुई, उसमें भी मैंने देखा बहुत कम लोग नज़र आए, और भी बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार गए हैं। मैंने सुना ओपी नैयर साहब के समय में सिर्फ 2 लोग वहाँ थे और लोग नहीं पहुँचे, जो आज भी उनका संगीत, कल भी मैं रेडियो पे उनका गाना सुन रही थी, ज़रा हौले हौले चलो मोरे साजना, तो मैं यही सोच रही थी कि कैसे गीत बना के ये लोग चले गए। दुख की बात है कि इतने महान आत्माएं, इतनी महान शख्सियतें आईं और चली गईं, और जब जाने लगीं या गईं तो उन्हें अलविदा कहने के लिए उनके अपने लोग ही नहीं पहुँचे। और बाकी हम सब भी एक दिन सब ने जाना है और सबका वही रास्ता है, और पता नहीं कि हम जाएंगे तो क्या होगा। सो इसलिए इस बात पे तो मैं सिर्फ दुख ही प्रकट कर सकती हूँ, बाकी मैं किसी की सिचुएशन नहीं जानती, इसलिए मैं किसी को इसका दोष भी नहीं दे सकती। अनिल कपूर, जितेंद्र, मिथुन, सबके कैरियर के जो गाने हैं, जो कैरियर शुरुआत की जिन्होंने, वो भी यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। दुख की बात है कि नहीं पहुँचे। मैंने फिर कहा पता नहीं वो कहाँ हैं कि नहीं हैं, इधर बॉम्बे के अंदर डेफिनेटली बैठे अपने घर में सब दुख प्रकट कर रहे होंगे कि बहुत बुरा हुआ, लेकिन सिचुएशंस ऐसी होती हैं। आज मैं देखिए आपके साथ रिकॉर्डिंग में बैठी हूँ, मैंने भी शाम को जाना था, मैं नहीं जा पाई क्योंकि प्रोड्यूसर की ये मांग थी कि आज ही गाना ख़त्म करना है, तो मैं भी उस चीज़ के लिए ज़िम्मेवार हूँ, इसका मतलब कि मैं नहीं जा पाई, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी कि मेरी सिचुएशन भी ऐसी थी, मैं नहीं निकल पाई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे दुख नहीं है, बहुत दुख है। और जो अपने घरों में बैठे हैं, जो नहीं जा पाए, आई एम श्योर उनको भी बहुत दुख हुआ होगा, लेकिन सिचुएशन सबकी अलग होती है और हमें किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए मुझे लगता है। लास्टली एक कहना चाहूंगा, बाली सर एक जो फिल्म बना रहे हैं, ये काफी लीक से हट कर होगी, काफी जज्बाती फिल्म है, क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के सब्जेक्ट पे? बलकार सिंह बाली जी डायरेक्टर हैं और राजकुमार जी, अशोक मल्होत्रा जी इसके प्रोड्यूसर हैं, और बहुत ही प्यारी स्टोरी है। मतलब मैं तो सुन के ही मेरी आंखें भर गईं कि इतनी ऐसी एक फिल्म आई थी हिंदी की, बड़ी मिलती जुलती, उसमें भी वो लेडी जो है वो चाहती है कि उसके बच्चे, वो मरने वाली है, राखी गुलजार पे वो फिल्म थी, और वो लास्ट में चाहती थी कि उसके बच्चे जो हैं वो कोई गोद ले ले ताकि वो, मतलब कहते हैं ना, रुल ना जाए, है ना। तो ऐसी ही स्टोरी है ये, तो अब डायरेक्टर अब देखते हैं कितना इमोशन और पैथोस इसमें भरेंगे, कलाकार कैसा काम करेंगे तो उसमें और मज़ा आएगा। संगीत तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने ये एक गीत गाया है एंड आई थिंक मैं एक और गाने वाली हूँ, तो बहुत ही प्यारा संगीत लगा मुझे, और मैं इस पूरी टीम को, आसरा की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। ईश्वर आपको कामयाबी दे और ये फिल्म जो है वो सुपर डुपर हिट हो, इसके गाने सुपर डुपर हिट हो, ताकि आप भी सब मिलकर शुक्राना करें। एक आईडी देना नए साल पे, एक मिनट, एक सेकंड, हाँ यार रोलिंग। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर जसपिंदर नरूला और मैं आप सबको नए साल की, क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हैप्पी न्यू ईयर एंड मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। 2019 के क्या प्लान है और कैसे शुरुआत रहेगी, क्या कहना चाहेंगे 2019 के? भैया ये मत पूछिए, प्लान कभी नहीं। अच्छा, एक दो हजार के लिए बोल सकती हूँ आप? पूरा शुरू से बोल दे एक बार, स्टार्टिंग से। हाँ, नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर जसपिंदर नरूला और मैं आप सबको
क्रिसमस की और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ. मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर. ईश्वर आपके लिए 2019 बहुत बहुत सुखद लेकर आए, बहुत खुशियाँ लेकर आए, बहुत कामयाबी लेकर आए. मैं तो सोच रही हूँ कि उसका शुक्राना ही किया जाए. हर दिन बहुत अच्छा है. हर दिन हम सांस लेते हैं, अगले दिन फिर जागते हैं, सांस लेते हैं, उसका शुक्राना करते रहें हमेशा. और प्लानिंग मैं कभी नहीं करती हूँ, प्लानिंग वो मेरे लिए करता है. उसने क्या प्लान किया है आने वाला साल बताएगा. बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर. एस्ट्रोलॉजी के साथ आप शुरुआत करना चाहेंगे, क्या कहना है एस्ट्रोलॉजी के बारे में? एक लाइन में सब कुछ, एक लाइन में. या एस्ट्रोलॉजी के बारे में नए साल की शुरुआत. अरे भाई एस्ट्रोलॉजी पे गए तो फिर मैं पूरा चिट्ठा खोल दूंगी. एक लाइन, एक लाइन खुद जी. हाँ बताइए क्या कहना चाहेंगे एस्ट्रोलॉजी के बारे में. एस्ट्रोलॉजी के बारे में क्या बताऊँ मुझे? नहीं, नए साल की शुरुआत कुछ एस्ट्रोलॉजी के लिए नहीं, मुझे अभी मैंने देखा नहीं गोचर में. लेकिन अच्छा ही होना चाहिए, अच्छा ही सोच रहे हैं. गोचर में बहुत बदलाव आया है अभी, और अभी आगे बहुत सारे अस्त हैं जो हमारे प्लैनेट्स हैं. बहुत बहुत सारे वक्री हैं, तो अभी शनि महाराज भी वक्री होने वाले हैं, तो अस्त भी होने वाले हैं. तो अभी आगे जाके देखते हैं क्या प्रभाव होगा. हर इंसान पे, हर राशि पर उसका अगला जो असर होता है वो अलग होता है. हर असेंडेंट पे जो आपका लगन है, लग्नेश है, उस पे उसका असर अलग होता है. तो इसलिए इसकी इस तरह से मैं गणना नहीं कर सकती और नहीं बता सकती, लेकिन विश कर सकती हूँ कि अगला आने वाला साल आप सबके लिए बहुत बहुत खुशियाँ लेकर आए. स्वाति रिपोर्ट फ्रॉम निक्सन एंड गोल्ड.